गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एम कॉम के सब्जेक्ट है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिसर्च की जो मेथोडोलॉजी है उसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। जब भी हम लोग कोई रिसर्च करते हैं, कोई अनुसंधान करते हैं, तो उस अनुसंधान का अर्थ होता है उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों का संकलन करना और उनका विश्लेषण और विवेचन करके किसी आधार पर निर्णय लेना। अतः शोध एक प्रक्रिया है, उसके विभिन्न चरण होते हैं और विभिन्न चरणों को हम इस प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले जो भी हमारी अनुसंधान है, उस अनुसंधान समस्या का हमें निर्धारण करना होता है। फर्स्ट हमारा पॉइंट है अनुसंधान समस्या का निर्धारण करना। जो भी आप लोग को अनुसंधान करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको आपकी जो समस्या है उस समस्या का स्पष्ट रूप से निर्धारण करना आवश्यक है, तब उसी के आधार पर आप अन्य चरण निर्धारित कर पाते हैं। सेकंड है प्रारंभिक साहित्य सर्वेक्षण। जब कोई अनुसंधान समस्या निर्धारित जाती है तो उसके पश्चात उससे संबंधित जो भी प्रारंभिक साहित्य है उन साहित्यों का सर्वेक्षण किया जाता है। इसके बाद है शोध समस्या का निर्धारण। जब हम लोग समस्या का निर्धारण कर लेते हैं और उसका प्रारंभिक हमने सर्वेक्षण भी कर लिया था, तो उसके पश्चात हमारे जो भी हम शोध समस्या है उसका स्पष्ट रूप से निर्धारण कर लेते हैं। जो भी शोध समस्या है वह न तो बहुत अधिक संकुचित होनी चाहिए, न ही बहुत अधिक व्यापक होनी चाहिए। शोध समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लिया जाना चाहिए ताकि उससे संबंधित जो भी समंक हो वह हम इकट्ठे कर सकें, हम उसमें कोई कमी न रह जाए या अधिक हम अधिक बड़े क्षेत्र में भी न चले जाएं। इसके बाद है साहित्य का व्यापक अध्ययन करना। जब हम समस्या का निर्धारण कर चुके हैं तो उसके पश्चात उससे संबंधित जो भी साहित्य है उसका हमें व्यापक रूप से अध्ययन करना चाहिए। इसके संबंध में हम प्रारंभिक रूप से भी ले सकते हैं या जो भी साहित्य पत्र पत्रिकाएँ आदि प्रकाशित हो चुके हैं जो भी हैं उनसे संबंधित हम समंकों को भी ले सकते हैं। इसके पश्चात आवश्यक सूचना का निश्चितीकरण व परिकल्पना का निर्धारण करना है। जो भी हमारी सूचनाएं हैं समस्या से संबंधित उन सभी हम सूचनाओं का निश्चितीकरण कर लेंगे। उसके अंतर्गत हमें देखना होगा हमें कौन कौन सी सूचनाएं लेनी है, किन किन स्रोतों से लेनी है। प्राथमिक स्रोत से सूचना एकत्रित करने के लिए शोधकर्ता को नवीन प्रकार से योजना बनाकर मौलिक समंकों का संग्रह करना होता है, जबकि द्वितीयक समंकों के एकत्रीकरण के लिए शोधकर्ता अन्य शोधकर्ताओं या अन्य व्यक्तियों की या संस्थाओं की जो भी एकत्रित सामग्री है, पत्र पत्रिकाएँ हैं प्रकाशित, उनका उपयोग कर सकता है। इसके पश्चात जब सूचना का निश्चितीकरण कर लिया है कि किस प्रकार की सूचना हमें एकत्रित करनी है, कैसे स्रोतों से लेनी है, उसके पश्चात हमें परिकल्पना का निर्धारण करना होगा। परिकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए एक शक्तिशाली प्रकाश दीप के समान होती है, क्योंकि वही उसे आगे का मार्ग बताती है कि उसे आगे कौन से मार्ग पर चलना है। अतः अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य उपलब्ध समंकों के विश्लेषण के आधार पर उस परिकल्पना की सत्यता की जांच करना होता है और उसे न कि उसे ये इन प्रकार उसे सही सिद्ध करना होता है। अतः अनुसंधान के चरणों में परिकल्पना का इस स्तर पर निर्धारण किया जाता है। इसके पश्चात अनुसंधान परियोजना का निर्धारण। जब अनुसंधान समस्या का हमने निर्धारण कर लिया है, परिकल्पना निर्धारित कर ली है, तो उसके पश्चात हम परियोजना निर्धारित करेंगे कि हम सूचना कहाँ कहाँ से किन किन स्रोतों से एकत्रित करेंगे, शोध सहायकों की उपलब्धि और उनकी कार्यक्षमता को निर्धारित करेंगे, जिन स्रोतों से सूचना एकत्रित करनी है उनसे सूचना एकत्रित करने की स्पष्ट और विस्तृत नीति का निर्धारण करेंगे और शोध में लगने वाले समय और लागत का निर्धारण करेंगे। इसके पश्चात हम लोग निर्देशन विधि का निर्धारण करेंगे। सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग की हमारे पास विभिन्न मेथड्स हैं, उन मेथड से हम जो भी मेथड यूज़ करना चाहें उसका निर्धारण करेंगे। समंकों को प्राप्त करने के दो तरीके हैं, एक तो संगणना प्रणाली और जिसमें दूसरा है निर्देशन प्रणाली। संगणना प्रणाली के अंतर्गत तो सारा समूह की सारी इकाइयों को शामिल कर लिया जाता है, जबकि निर्देशन प्रणाली के अंतर्गत समूह में से कुछ इकाइयों का चयन करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हम लोग दोनों में से कोई सी भी प्रणाली चुन सकते हैं। एट्थ पॉइंट है हमारा समंक संकलन। समंक संकलन के तरीके के पश्चात हम लोग समंक संकलन का कार्य करेंगे। इसमें हम लोग अवलोकन का यूज़ कर सकते हैं, प्रश्नावलियाँ यूज़ कर सकते हैं या अनुसूची भरवा सकते हैं। प्रश्नावली में उत्तरदाता है वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है उत्तर देने के लिए। इसके बाद हम समंकों का विश्लेषण करेंगे। जो भी हमने समंक एकत्रित किए हैं उन समंकों का हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के पश्चात ही
हम लोग किसी निष्कर्ष पर निकलते हैं। हम लोग कोई रेखा चित्र चार्ट या कोई भी तालिका वालिका है उसको हम बना करके सम अंकों का अधिक अधिक उपयुक्त तरीके से तथ्यों को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। परिकल्पना परीक्षण, जब सम अंकों का विश्लेषण हो जाता है तो उसके पश्चात हमने जो भी हमारी परिकल्पना है पहले वाली जो भी हमने निर्धारित की गई है उस परिकल्पना का हम परीक्षण करेंगे कि वास्तव में हमारी जो परिकल्पना है वह सही है या नहीं है। व्यापकीकरण, व्यापकीकरण से आशय की जगह परिकल्पना के आधार पर हमें किसी सिद्धांत पर यदि हम पहुँचे हैं तो उस सिद्धांत को व्यक्त करना। किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन अनुमान के आधार पर नहीं होता है, वह संग्रह के अध्ययन के संग्रह से ही विकसित किया जाता है। जब हम इतना कार्य कर लेते हैं कि हम सम अंकों का संग्रह कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं, तो हम किसी ना किसी तथ्य पर पहुंचते हैं और उसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तो वह किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करने का आधार बनते हैं। तो उसके बाद हमें यदि कोई परिकल्पना परीक्षण के आधार पर सही उतरती है तो हमें उसका व्यापकीकरण करके उसका सिद्धांत बनाना चाहिए। इसके पश्चात प्रतिवेदन तैयार करना, जब हम लोग सिद्धांत कर लेते हैं तैयार तो उसके पश्चात हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिवेदन तैयार करना। एक अच्छी रिपोर्ट के आधार पर ही शोधकर्ता के अनुसंधान की जानकारी अन्य लोगों को होती है। अतः आपने जो भी अनुसंधान कार्य किया है तो आप उसकी एक अच्छी सी रिपोर्ट हमें तैयार करनी होती है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए ग्राफ, चार्ट, सारणियों या मॉडलों का प्रयोग किया जाना उचित होता है। प्रतिवेदन लिखने का कार्य सबसे अंतिम कार्य होता है। यह शोध प्रवृत्ति का सबसे अंतिम चरण होता है और महत्वपूर्ण चरण होता है। इसे व्यवस्थित और सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी भाषा हो वह सरल होनी चाहिए। तुलनात्मक रूप से अध्ययन के लिए हमें विषय वस्तु प्रदर्शित करनी चाहिए। सारगर्भित प्रतिवेदन में जो भी बात रखी जाए वह बिल्कुल सारगर्भित तरीके से रखी जानी चाहिए। अनावश्यक बातों को उसमें रखना नहीं चाहिए। सांख्यिकीय विवेचन के लिए वह उपयुक्त होनी चाहिए। प्रतिवेदन के मुख्य भाग इस प्रकार होंगे। सबसे पहले होगा शीर्षक। प्रतिवेदन में सबसे पहले शीर्षक रखा जाएगा। यह शीर्षक को पढ़ते के ही उसे समस्या के भरम में आभास होता है, अतः शीर्षक उपयुक्त होना चाहिए। अंतराल, प्रतिवेदन में जो भी सारी बातें हैं उनको विभिन्न भागों में बांटकर उपयुक्त प्रकार से लिखा जाना चाहिए। टिप्पणियां, प्रतिवेदन में वर्णित कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं, उन पर विशिष्ट रूप से टिप्पणी दी जानी चाहिए। स्रोत, प्रतिवेदन में जो भी आपकी सामग्री के स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। संगति, प्रतिवेदन तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो भी उसमें परिणाम आए वे परस्पर संगत होने चाहिए और शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। थैंक्स स्टूडेंट।